जब हर पात्र परिवार के पास आयुष्मान योजना का कार्ड होगा, जब हर गरीब के पास बीमा सुरक्षा कवच होगा कि अब हमें योजनाओं के हर लाभार्थी तक खुद पहुंचना। ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलेन। तो दोस्तों, ई श्रम कार्ड के लिए काफी लोगों ने अप्लाई किया है। अभी तक ई श्रम कार्ड के लिए जितने भी व्यक्ति अप्लाई किए हैं, उनमें से 10% लोग ऐसे हैं जिनके अकाउंट में गवर्नमेंट की तरफ से पहली किस्त 1000 रुपये भेजा गया है, और 90% ऐसे लोग हैं जिनके अकाउंट में अभी तक क्रेडिट नहीं किया गया है पहली किस्त। उनके अकाउंट में पहली किस्त आएंगे, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, जिन्होंने 31 दिसंबर से पहले ई श्रम कार्ड के लिए आवेदन कर दिए हैं, तो उनके अकाउंट में 10 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बीच में उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। जिन लोगों ने जनवरी 2022 में इस श्रम कार्ड के लिए अप्लाई किए हैं, उनके अकाउंट में इस श्रम कार्ड के योजनाओं का फायदा नहीं मिलेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के 5500 के 4 किस्त आने वाले थे, तो उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जाएगा। और आने वाले टाइम में इस श्रम कार्ड की योजना की तरफ से कोई भी बेनिफिट मिलता है तो उस समय उनको मिल जाएंगे। तो आप लोग सबसे पहले कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों के अकाउंट में इस श्रम कार्ड का पैसे अभी तक आया है या फिर नहीं आया है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।